कहां तो ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंकने मेघालय पहुंची थीं, लेकिन हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐन वक्त पर ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे डाला। हिमंत बिस्वा सरमा चार विधायकों को ले उड़े, उनमें एक ममता बनर्जी की पार्टी का है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने टीएमसी विधायक हिमालय संप्लियाक, एनसीपी के विधायक बेनडिक्ट मराका और फेरलीन संगमा और निर्दलीय विधायक समुइल संगमा को भाजपा में शामिल कराया। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक को तोड़कर टीएमसी को ऐसे वक्त में झटका दिया जब 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आने वाले हैं। पीएम के पहुंचने से पहले और ममता बनर्जी के मेघालय आने के बाद राज्य के चार विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। चारों ने दिल्ली में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और समित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को मेघालय आ सकते हैं। इस दौरान वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर सकते हैं। वहीं त्रिपुरा में प्रधानमंत्री अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन मेघालय की शुरुआत कर चुकी हैं। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मेघालय में चुनावी बिगुल फूंका और महिला सशक्तिकरण, युवाओं की बेहतरी और राज्य की संस्कृति के संरक्षण के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्य पर नई दिल्ली या गुवाहाटी से शासन चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी ये सुनिश्चित करने के लिए मेघालय के लोगों की मदद करना चाहती है कि इस राज्य में धरती पुत्रों का शासन हो। बनर्जी फिलहाल मेघालय के दौरे पर हैं, जहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी ने यहां टीएमसी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया और क्रिसमस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मेघालय के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की पूरी तरह से अनदेखी की है। बनर्जी ने असम मेघालय सीमा विवाद के कारण पिछले महीने मुखरोह गाँव में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रूपए की अनुग्रह राशि भी दी। मेघालय में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मेघालय विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च 2023 को समाप्त होने वाला है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2018 में हुए थे। चुनाव के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई, जिसमें कानराड संगमा मुख्यमंत्री बने। The report, News of India.